वेलकम बैक गाइस, मोंगो डीबी के 11th ट्यूटोरियल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मोंगो डीबी के अंदर स्कीमा और मॉडल कैसे बनते हैं। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि मोंगूज के साथ हम मोंगो डीबी और नोड जेएस का कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आई टाइम में लिंक आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप उसे भी एक्सेस करें और यहाँ पे बुक मार्क करके अपने पास रख लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। चलिए चलते हैं हमारे स्कीमर मॉडल के अंदर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ कि स्कीमर मॉडल क्या होते हैं। बेसिकली स्कीमा क्या होता है? व्हाट इज स्कीमा? ए मोंगोडीबी स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेटर एटसेट्रा। अगर आपको समझाया नहीं आया होगा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सब चलते हैं हमने मोंगोडीबी कंपस के अंदर। देखिए स्कीमा क्या होता है। जैसे मैंने अपना डेटा कोई भी खोल लिया, यहाँ पे मैंने खोला एम्प्लॉयज। देखिए अगर मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक नेम होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ईमेल है वो कौन सी स्ट्रिंग टाइप की होगी, सैलरी है वो बुलियन टाइप की होगी, आईडी है वो इंटीजर टाइप की होगी। अगर जिसमें हम बताते हैं ना बेसिकली हमारा नेम होगा इसके अंदर, ईमेल होगी, हमारी सैलरी होगी, कौन कौन से फील्ड होंगे और किस किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग के होंगे चाहे इंटीजर के होंगे, बुलियन के होंगे, डेट टाइप के होंगे, ये हमारा होता है स्कीमा। बेसिकली इसी को स्कीमा कहते हैं हम। चलिए फिर से डेफिनेशन को देखते हैं क्या कह रहा है। मोंगो स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बताता है कैसा होगा। डिफॉल्ट वैल्यू अगर वो डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता है डिफॉल्ट वैल्यू को बताता है, और वैलिडेशन भी बताते हैं, रिक्वायर्ड कोई ई मेल अभी रिक्वायर्ड रखनी है उसको ट्रू भी रिक्वायर होनी चाहिए है। अगर कुछ ना कुछ और लगा लीजिए जैसे मिनिमम लेंथ पासवर्ड की, जैसे हम लिखते हैं 8 करेक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए, वो वैलिडेशन लगा सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा क्या है हमारा मॉडल। मॉडल क्या होता है? ए मोंगूज मॉडल इज द रैपर ऑन द मोंगू स्कीमा। चलिए पहले हम स्कीमा क्रिएट करते हैं बाद में इसके ऊपर आते हैं। अगर देखिए हमने पिछले वीडियो में अपने डेटाबेस का कनेक्शन बना लिया था, अब क्या बनाएंगे हम अपना यहाँ पे स्कीमा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मोंगूज डॉट स्कीमा, देन इसके अंदर क्या हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। उसके अंदर सबसे पहले जैसे मेरा फील्ड है जहाँ पे नेम किस टाइप का होगा, मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप का होगा, मेरा नेम है जो मैं लिख दिया स्ट्रिंग। और क्या होगा मेरा फील्ड, मैंने सोचा बताया कि ईमेल होगा, ईमेल किस टाइप का होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। और एक क्या होगा इसके अंदर, मैं मोबाइल नंबर होगा, मैं एम एन लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वो कौन से फॉर्म का होगा, मैं नंबर फॉर्म का होगा। और क्या रखेंगे, मैंने रख दिया एज, एक एज होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो भी नंबर फॉर्म का होगा। एक मैं सोच रहा हूँ सैलरी फीस रख देते, चलो फीस किस फॉर्म का होगा, वो होगा बुलियन फॉर्म का, मैं लिख दिया बुलियन। देखिए जी अब तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है, डेफिनेशन जैसे लिखा था हमारी में भी मोंगूज स्कीमा डिफाइन करता है स्ट्रक्चर। और क्या था डिफॉल्ट वैल्यू, एक होता है वैलिडेशन, हम ये भी देखते हैं कैसे होते हैं, मैं एक एक करके आपको सभी दिखाता हूँ। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और पास कर देंगे। इसके सबसे पहले बताएंगे टाइप, टाइप क्या होगा हमारा, मैंने लिख दिया वही स्ट्रिंग होगा। और डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो लिखेंगे डिफॉल्ट, जैसे मैंने दे दिया डिफॉल्ट नाम इसका, अगर कुछ कुछ नहीं भर रहा तो लिख देंगे जतिन, डिफॉल्ट नेम इसके जतिन चला जाए। और वैलिडेशन देखनी है, वैलिडेशन भी देख लेते हैं कैसे होंगी। जैसे ईमेल हमें पता है रिक्वायर्ड ट्रू, हम ईमेल नहीं भर रहा तो बंदा वो रजिस्टर लॉगिन कर ही नहीं सकता है, मैं कहता हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन लगा देंगे, कंपल्सरी है वो फील्ड, तो लिखेंगे जैसे टाइप क्या होगी इसके नंबर, और इसके अंदर क्या होगा जैसे रिक्वायर्ड भी ये ट्रू है, मैं लिख दिया रिक्वायर ट्रू, ये रिक्वायर है ट्रू है, ठीक है हमारा स्कीमा बन चुका है। अब इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल लेंगे, जैसे मैंने लिख लिया कॉन्स्ट स्टूडेंट्स स्कीमा। अगर आप न्यू लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाते तो भी स्कीमा बना देगा। न्यू क्या है, वैसे इंस्टांस बना देता है, अगर आप नहीं लगाते तो भी ऑटोमेटिकली इंस्टांस बना देता है। अगर इसलिए कई बार कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि यहाँ पे न्यू लगाएं या ना लगाएं, अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, अगर लगा दोगे तो भी कोई बात नहीं। देखिए हमारा स्कीमा बन चुका है, अब देखते हैं हमारा मॉडल। मॉडल क्या होता है, देखिए मोंगूज मॉडल इज ए रैपर ऑन दी मोंगू स्कीमा। मॉडल क्या था बेसिकली, जब हम स्कीमा हमने जो बनाया है ना उसको रैप कर देता है, ताकि इसके लिए हम डिफॉल्ट अपने ऑपरेशन होते हैं क्रिएट करना, डेटाबेस को अपडेट करना, उसके डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, रिकॉर्ड्स को, जी इजी बना देता हमारे लिए। चलिए हम मॉडल भी बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अब मोंगूज डॉट मॉडल, और इसके अंदर बेसिकली हम दो आर्गुमेंट को पास करते हैं। सबसे पहले एक तो होगा जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, हमारा कंपनी नाम का डेटाबेस का उसके अंदर था, एम्प्लॉयज नाम का कलेक्शन,
तो ऐसे कलेक्शन का नाम देता है सबसे पहले इसके अंदर, पर हमारा एस जो ऑटोमेटिक लगा देता है, हमें एस नहीं लगाना पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लास, लिख दिया मैंने स्टूडेंट की क्लास है, यहाँ पे क्लास ही ऑटोमेटिक बना देगा, हमें क्लास ही लिखेंगे सिर्फ, और वो भी कैपिटल में लिखेंगे। सब पहला एक्सरसाइज कैपिटल में होगा, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है हमेशा। और सेकेंड आर्गूमेंट क्या होगा इसका, हमारा स्कीमा, जिस स्कीमा का हमने मॉडल बनाना है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन बनाना है, डॉक सॉरी कलेक्शन बनाना है, स्टूडेंट स्कीमा का बनाना है, मैंने लिखे कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके आगे हम एक वेरिएबल डाल लेते हैं इसको, जिससे हमें पता लग जाए आगे यूज़ करने के लिए। अब लिखें कॉन्स्ट, क्लास नाम का है, क्लास लिख दिया मैंने, इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगा देंगे। देखिए इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जाके, अब क्रिएट ऑपरेशन करना है हमने, सेव करना है उसके अंदर, फाइंड करना डिटेल, अब इसी का यूज़ करेंगे आगे जाके, आपको आगे आगे जाके सब पता लगेगा। देन अब क्या हो गया हमारा, ये बन गया मॉडल ही बन गया, स्कीमा ही बना दिया। आई होप सो आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें यहाँ पे बुक मार्क करके, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।